तो देखते हैं गाइस इस अंडे से कौन सा पोकेमोन निकलने वाला है। ओके गाइस फर्स्ट बॉल ट्राई, क्या ये आएगा? नहीं। ओ शिट यार, ये नाइट्रीन के बच्चे भी आ गए यहाँ पे। गाइस क्या ये आएगा? यस यप। व्हाट्सअप, तो गाइस स्वागत है आप सबका पेल वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम बनाने वाले अपने पेल वर्ल्ड में ब्रीडिंग फार्म। गाइस जो जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपने पेल वर्ल्ड की गेम प्ले के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, तो एक और सुहाना दिन है हमारे पेल वर्ल्ड के एक और नए सफर के अंदर। तो चलिए गाइस, पिछले एपिसोड में हमने कहा था हम बनाने वाले हैं ब्रीडिंग फार्म। तो मैं बिल्ड में जाके देखता हूँ ब्रीडिंग फार्म के लिए मुझे क्या क्या चाहिए फटाफट से। ये है वो ब्रीडिंग फार्म जिसके लिए हमें काफी सारे स्टोन चाहिए, वुड चाहिए और फाइबर चाहिए, और ये काफी सारा है मेरे पास फिलहाल यहाँ पे इस जगह पे। वैसे यहाँ पे जो है रात होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद जो है अपने नए बेस पे। वैसे गाइस आप लोगों को मैं अपना एक नया बेस दिखाता हूँ, वहां पे मैंने जो है अपने पोकेमोनों को काम करवाने के लिए लगा रखा है। हाँ भाई इधर आ जल्दी बैठा मुझे। तो यार देखो गाइस यहीं कहीं पे दिए अपने बेस के पास ही मैंने एक छोटा सा बेस बना रखा है ताकि यहाँ पे ये लोग काम धंधा करते रहे, माइनिंग वाइनिंग करते रहे और अपने सारा सामान जो है यहाँ पे मेरे को लाके रखते रहे। इन लोगों के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे खाना वाना रखा हुआ है चेस्ट में। ये देखो रो भाई साहब, काफी सारा सामान इन लोगों ने यहाँ पे फिलहाल तो जो लिया है। तो गाइस अब मैं जो है एक अपना नया बेस बनाऊंगा जहाँ पे हम बनाएंगे अपने लिए ब्रीडिंग फार्म। तो ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए गाइस फिलहाल मैं जो है मैप में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ किधर मैं बनाने वाला हूँ। वो बनाएंगे हम इधर कहीं एरिया भी, देखो यहाँ पे काफी खाली एरिया मुझे लग रहा है और यहाँ पे भी काफी खाली एरिया है। जहाँ पे काफी बड़ा और खाली एरिया होगा उस जगह पे हम जो है अपना ब्रीडिंग फार्म बनाने वाले। तो गाइस वैसे तो अभी यहाँ पे रात हो चुकी है, फटाफट से मॉर्निंग करते हैं। मॉर्निंग करने के बाद उसके बाद चलते हैं अपना ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए। गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इस सिंडिकेट टावर के पास और यहाँ पे काफी खाली जगह है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना पहल का एक बेस बनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? ओके हमें दो बिल्स की ज्यादा नहीं बना सकते फिलहाल। मुझे लगता है गाइस मुझे अपना यहाँ पे जो मैंने बेस बनाया है जो सबसे ऊपर वाला है इसको मैं हटा देता हूँ और जो भी पोकेमोन मेरे वहां पे होंगे सारे हट जाएंगे। यार मैंने कहीं गलत बेस तो नहीं हटा दिया? वो मुझे देख के आना पड़ेगा। पहले तो मैं फटाफट से यहाँ पे एक बेस बनवा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कौन सा पोकेमोन है जो मेरे लिए काम करेगा, ये करेगा। अबे इधर इधर आ, तब तक तू यहाँ पे फटाफट से बेस बना। मैं गाइस फटाफट से पहले देख के आऊँ कहीं मैंने गलत बेस तो हटा नहीं दिया। वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने शायद गलत हटाया नहीं हटाया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट देख के आते हैं। वैसे तो सही हटाया मैंने। ओके तूने बना दिया, तू वापस आ जा। तो गाइस पहले मैं फटाफट से चेक करके आता हूँ यहाँ पे, इसी से चेक करके आते हैं ना, फटाफट से पता चल जाएगा हमें। ऑलराइट गाइस मैंने जो है गलत बेस नहीं हटाया, वहाँ पे काफी सारा सामान रखा होगा, जो भी होगा उसको मैं बाद में लेके आ जाऊंगा। फटाफट से पहले तो हमें जो है कहाँ गया मेरा बेस, हीरा इस जगह पे जाके हमें बनाना है अपने लिए एक ब्रीडिंग फार्म। तो क्या मेरे पास सारा सामान है उस ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए? तो पहले तो मैं चेक करता हूँ कहाँ पे बनाया जाए अपना फार्म। ओके इधर बनाया जाता है, यहाँ पे काफी एरिया है खाली खाली। तो ये है वो फार्म। तो इसके लिए मुझे काफी सारा फाइबर और वुड की काफी जरूरत है, मतलब 50 फाइबर और काफी वुड। तो गाइस मुझे यानी कि थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, घर जाके फाइबर वुड लेके आने पड़ेंगे। तो फिलहाल वैसे तो फटाफट मैं एक यहाँ पे चेस्ट बनवा देता हूँ ताकि मैं घर से काफी सारा सामान लेके आ पाऊँ। तो चेस्ट बनाने के लिए हमें जाना है स्टोरेज और यहाँ पे एक चेस्ट बना देते हैं। आप भी लौंडे जल्दी आ, बना चेस्ट। और गाइस घर से काफी सारा मैं सामान लेके आऊंगा और उसके बाद जब तक मैं सामान लेके आता हूँ तब तक यहाँ पे मैं चेक काफी सारे अपने पोकेमोनों को बाहर निकाल लेता हूँ जो काम करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जैसे हाथ बढ़ाने का, माइनिंग का और ट्रांसपोर्टिंग का लिए ठीक रहेगा। और बस इतने बाई लेवल वाले आ जाओ भाई, चलो भाई बाहर आओ काम करो, चलो लग जाओ अपने कामों पे। ये तो सबके सब आ चुके हैं यहाँ पे काम करने के लिए और मैं जाके अपने बेस पे, अरे सामान तो मैंने रखा ही नहीं। तो गाइस मैं फटाफट से बेस पे जाके काफी सारा जो है सामान लेके आता हूँ। तो मुझे जो जो चाहिए वो मैं लेके आता हूँ, काफी सारा लकड़ी, काफी सारा वुड, काफी सारा फाइबर्स, फटाफट से उसको लेके आते हैं। ऑलराइट गाइस मैं सारा सामान लेके आ चुका हूँ फिलहाल जो मुझे ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए लगने वाला है और यहाँ पे मैंने सबको बाहर निकाल दिया है। कोई स्टोन, कोई फाइबर, कोई कुछ ना कुछ जो है काम करने पे लगा हुआ है। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे बनाना अपना ब्रीडिंग फार्म। तो ब्रीडिंग फार्म के लिए मुझे जाना है। वो व्हाट इज दिस? ओके क्या हो गया, रेड हो रही है क्या? गाइस मेरे पैल संभालेंगे, कहाँ पे हो रही है रेड? ओके ये आ गए बंदे, इनको मैं फटाफट से पकड़ूंगा, अपनी हाइपर्स बॉल निकाल लेता हूँ और ये वाली बॉल ले लेता हूँ। चलो भाई ओके, एक दो तीन, तीन पोकेमोन आए गाइस हमारे साथ लड़ने के लिए। ओ शिट मेरे को मारोगे?
ओ मेरे को तो मारने पे लगे हुए हैं ये। ओ अरे भाई साहब, एक खत्म हो चुका है, दूसरा भी खत्म, और ये तीसरा भी अरे बॉल में अरे यार शिट गाइस, मेरे पोकेमोन इतने पावरफुल हो चुके हैं, तीन आए थे इलेक्ट्रोसॉरस से लड़ने के लिए, तीनों के तीनों को इन्होंने भूत बना के रख दिया। फिलहाल मुझे बिल्ड मैंने जाके अपने बिल्डिंग, अरे यार अभी भी भूत की कमी है, 100 लकड़ियां चाहिए मुझे। कितनी लकड़ियां है मेरे पास, यानी कि 50 लकड़ी और चाहिए मेरे को, 50 लकड़ी मेरे को बेस से और लेके आनी पड़ेगी। गाइस फटाफट से मैं लेके आता हूँ, मुझे लगा इतनी लकड़ियां हो चुकी होंगी मेरे पास, काफी टाइम लगने वाला है गाइस आज की ब्रीडिंग फार्म बनाने में। ऑलराइट गाइस, 50 लकड़ियां मैंने यहाँ से ले ली, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी सी और ले लेनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए ना लकड़ियों की वहां पे मेरे पास, 10 बहुत है इतना। तो इतना गाइस मैंने लकड़ियां ले ली, फटाफट से अब अपना ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे और दो नए पोकेमोनों को हम अपने वहां पे ब्रीड करने लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पोकेमोन ऐसा हम जो वहां पे ब्रीड पे लगाएं मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ, मतलब अभी तो फिलहाल मैं लगा दूंगा, अगले एपिसोड में जब मैं बताऊंगा आपको कौन सा मेरे को पोकेमोन के साथ किसकी और किसकी ब्रीडिंग करानी चाहिए। तो ये आ गया मेरा ब्रीडिंग फार्म, अरे हटो यहाँ से सबके सब, चलो भाई इधर के एरिया में, यहाँ पे बढ़िया सा लग रहा है, और ला भाई आ जाओ, चालू हो जाओ, काम चालू कर दो फटाफट, चलो फटाफट वर्क करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये बूम बेटे गाइस, देखो सबके सब यहाँ पे लग चुके हैं फार्म बनाने के लिए, और ये हमारा ब्रीडिंग फार्म बन के तैयार। ये बात, अब मुझे थोड़ा सा उड़ के देखूंगा, अरे तू अंदर आ, अब ऊपर से देखेंगे गाइस ये हमारा ब्रीडिंग फार्म कैसा लग रहा है। ये बात देखो गाइस, कितना सा खतरनाक सा लग रहा है, देख रहे हो। और मेमोरश कह रहा है कि मैं ब्रीडिंग करूंगा यहाँ पे, बट गाइस अभी हम मेमोरश के साथ किसी और एनिमल की ब्रीडिंग नहीं कराएंगे, अभी हम कोई और एनिमल की ब्रीडिंग कराने वाले। तो फटाफट से वैसे मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, इधर के एरिया में एक जगह और है, एक ब्रीडिंग फार्म और बना सकता हूँ क्या मैं, मेरे पास इतना मटेरियल है अभी तो बना देता हूँ, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, काफी सारा मटेरियल्स के अभी यहाँ पे फिलहाल कमियां हैं, तो इनको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दो हमें जो है ब्रीडिंग फार्म करना है, तो किसको लेके किसको बनाया जाए, आ जाओ गाइस देखते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ रेप्टायरो को लेके चलते हैं, रेप्टायरो कहाँ है तू, रेप्टायरो ये रहा गाइस, रेप्टायरो तू इधर आ, ओके रेप्टायरो को मैं यहाँ से उठाता हूँ गाइस, और रेप्टायरो को डालते हैं ब्रीडिंग फार्म के अंदर। तो देखते हैं रेप्टायरो और एक नया पोकेमोन, ये है रेप्टायरो फाइट टाइप पोकेमोन, ओके रेप्टायरो तू इधर आ जा, ओके रेप्टायरो सेट हो चुका है फार्म के अंदर, और मुझे लगता है मेमोरश के साथ कराना चाहिए इसको ब्रीड, आ जा मेमोरश, ओके तू मेमोरश यहाँ पे तैयार हो जा, चलो भाई ये गाइस दोनों के दोनों तैयार हो चुके हैं फार्मिंग के लिए, तू वापिस आ भाई। अब इन लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक केक बना के रखना पड़ेगा इस ओपन चेस्ट के अंदर, तो केक बनाने के लिए मुझे एक रेसिपी बनानी पड़ेगी, और वो हमारे को मिलेगी यहाँ पे फूड्स में, और इसके लिए यार काफी सामान नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो इसको ही बना देते हैं, इसमें बन जाना चाहिए केक। आप लौंडा बनाओ, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, यस कैंप फायर बन चुकी है, और केक दिख रहा है इसमें कहीं आपको लोग गाइस, केक तो मुझे नहीं दिख रहा इसमें कहीं, तो कोई बात नहीं गाइस, मैं अपने मेन बेस पे जाता हूँ, वहां से एक दो केक बनवाने के लिए लगा देता हूँ, वहां पे केक बन जाएंगे तो मैं यहाँ ट्रांसफर करवा दूंगा, और देखते हैं ये कितनी देर में कौन सा एक खतरनाक पोकेमोन जो है निकालने वाले हैं, ब्रीड करने वाले हैं। फिलहाल मैं सारे यहां से खाना लेके यहां डाल देता हूं, बहुत सारा खाना हो गया, तो इसके अंदर देखते हैं केक बनता है, ये रहा केक। तो गाइस केक बनाने के लिए मुझे चाहिए काफी सारा दूध, काफी सारे अंडे और हनी भी नहीं है मेरे पास। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने केक बनवाने के लिए लगा रखा है, और मेरा पोकेमोन यहाँ पे बस केक बनवाने ही वाला, बस थोड़ा सा रह गया है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए आर्मर भी बनवाने के लिए लगा दिया है, और यहाँ पे ये तीन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी वाला, इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पे इसे कुछ भी बाय कर रहा हूँ तो मैं इसे बाय कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इससे कुछ जो है चीजें, ओ इन्होंने बना भी दिया, ये अब गाइस मैं जाके लड़ सकता हूँ उन लोगों से, अब मेरे पास काफी खतरनाक पावर हो चुके। फिलहाल तो मैं देखता हूँ इसने केक बना दिया होगा, ऑलराइट हाँ केक बन चुका है, तो केक भी मैं ले लेता हूँ, और अपने बेस पे जाते हैं दोबारा से, उस बेस पे जहाँ पे हमने उन बंदों को लगा रखा है ब्रीडिंग के लिए। तो दोनों पोकेमोनों को फटाफट से गाइस में केक खिलवा देता हूँ, ओके कहाँ गए, हाँ भाई कहाँ चल रही तुम्हारी ब्रीडिंग, ओके तो मैं गाइस इन्हें यहाँ पे केक दे देता हूँ, ऑलराइट केक दे दिया मैंने इन्हें,
और कितना टाइम लगेगा? मेल एंड फीमेल नॉट प्रेजेंट। ओके, अभी यार इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ये तो देखा ही नहीं मैंने। तो ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे लगा दिया, एक मेल और एक फीमेल। तो वैसे मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे इनमें मेल और फीमेल का पता लगाया जा सकता है, तो मैंने जो है थोड़ा सा रिसर्च करा। मतलब यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे जाते हैं इसमें अगर ये एक ब्लू होता है और एक होता है रेड, अरे कहाँ गया, ओके, और एक ये, तो इससे पता चलता कौन मेल एंड कौन फीमेल है। तो फटाफट से मैंने इन दोनों को यहाँ पे लगा दिया है ब्रीडिंग के लिए, ये चालू हो चुके हैं यहाँ पे काम करने के लिए। थोड़ा समय लगने वाला है और मेरा कोई एक पोकेमोन जो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका है उसको मुझे लगता है पेल बॉक्स में वापस भेजना पड़ेगा, उसने बहुत काम जो कर लिया है यहाँ पे। यही है क्या, और ये हंगरी है, अरे यहाँ पे हाँ खाना तो रखा ही नहीं गाइस मैंने इन लोगों के लिए। तो गाइस फटाफट से इन लोगों के लिए यहाँ पे खाना वाना रखते हैं, उसके बाद जो है हम जाने वाले हैं नए नए पोकेमोनों को पकड़ने। वैसे फिलहाल मैं फटाफट से अगर मैं चेक करूं तो क्या मैं फीड बॉक्स बना सकता हूं? आओ भाई लौंडो फीड बॉक्स बनाओ फटाफट से। और ये एक हथौड़ा मारते बना दिया तूने, तो क्या बात है। और गाइस मुझे चाहिए थोड़ा खाना, तो फटाफट से जितना मेरे पास यहाँ पे है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ और ये आके यहाँ पे फटाफट से खा लेंगे सबके सब। और बेस पे जाके मैं और खाना लेके आता हूँ, मेरे बेस पे बहुत सारा खाना रखा हुआ है, उन लोगों को भी तो खाना खिलाना पड़ता है ना। और मेरे एक मतलब जो मैंने पहले बेस बनाया था उस बेस पे भी खाना रखा होगा, तो वहां से भी खाना लेके आऊंगा। और कितना खाना है, अरे भाई बहुत खाना है यहाँ पे। तो गाइस इन खाने को मैं वहां पे दे देता हूँ क्योंकि वहां पे मेरे पेल्स काम कर रहे हैं यार, उनको भूख लगेगी तो काम कैसे करेंगे वहां पे। तो इनको भी मैं दे के आता हूँ फटाफट से, उनको रख देते हैं खाने के लिए, उसके बाद चलते हैं नए सफर पे। ओके सबके सब भूखे थे यहाँ पे, सबने खा लिया, देखते हैं गाइस कितना खत्म हुआ। ओके चलो भाई खाते रहो अंदा। ओके तो गाइस इन लोगों को मेरे को यहाँ पे बेड भी तो बनवाने पड़ेंगे, तो गाइस फटाफट से इनके लिए बेड भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। हमें कम से कम यहाँ पे काफी सारे बेड बनवाने। ऑल राइट बेड बना दो फटाफट आ जाओ गाइस, मैं ऐसे रैंडम बेड्स बना देता हूँ फटाफट से, ये बना लेंगे अपने आप आके जब इन लोगों को भूख मतलब खाना खत्म हो जाएगा इनका। अरे यार बेड के लिए सामान कम पड़ गया, कोई बात नहीं ये सारा सामान जोड़ते रहेंगे धीरे धीरे करके, यहाँ पे इन लोगों के लिए मैं बेड बनाता रहूंगा फटाफट से। वैसे देखते हैं कितना काम कर दिया इन लोगों ने, काफी काम कर दिया। और इसमें से एक बंदे को भूख लग रही है तो मैं उसको भी खाना खिला देता हूँ। किसे लग रही है भाई भूख? ओके फीड, ओके इलो कैसे हो, ये खुश हो चुका मेमोरिश मेरा। तो गाइस इन दोनों के लिए फटाफट से यहाँ पे ब्रीडिंग करने देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं नए पोकेमोनों को पकड़ने के लिए। ऑलराइट गाइस यहाँ पे देखो इन दोनों ने एक अंडा फिलहाल दे दिया है और दूसरे अंडे की फटाफट से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब इनको यहाँ पे केक भी चाहिए, एक केक तो इन लोगों ने खा लिया है यहाँ पे, और दूसरे केक के लिए भी भाई अंडे को मैं ले लेता हूँ। भाई साहब बहुत ही बड़ा अंडा है और वो भी खतरनाक वाला, तो इसको इंक्यूबेट के लिए कहाँ कैच किया जाए? क्या मैं यहाँ पे इंक्यूबेट के लिए मशीन बना सकता हूँ? चेक करता हूँ, मेरे पास सामान इस जगह होगा ही नहीं वैसे तो। ओके क्या नहीं है मेरे पास, कपड़े और वो सब मेरे बेस पे पड़ा हुआ है। गाइस फटाफट से थोड़े से कपड़े और उसको लेके आता हूँ मैं फटाफट, आ जाओ। ऑलराइट गाइस मैं लेके आ चुका हूँ सारा सामान और एक इंक्यूबेटर को मैं इन्हीं के घर के पास बना देता हूँ। मतलब जैसी अंडे देंगे वैसी मैं यहाँ पे अंडों को जो है हैच कर दूंगा। फिलहाल इन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे केक लाके रखना पड़ेगा, और वो केक क्या मैं केक की मशीन यहाँ पे बना सकता हूँ? चेक किया जाए, मेरे पास सारा सामान है यहाँ पे। ओके तो काफी सारी चीजें नहीं है मेरे पास वैसे तो, और मेरे को जो है वहां से लेके आनी पड़ेगी गाइस, उन सब के लिए मैं लेके आता हूँ। जब तक ये यहाँ पे एग इंक्यूबेटर बनाते हैं और मेरे ख्याल से बनने वाला है, और बन गया, खुश हो गए सबके सब यहाँ पे अंडों को। अरे यार गाइस मेरी समझ में ये नहीं आता, अंडों को हैच करने में हमेशा इतना समय लगता है, मुझे कमेंट से बताओ। ये कह रहा है इसको 2 घंटे लगने वाले हैं इसको, और यहाँ पे अगर इसको स्टिल कूल्ड, ऑलराइट कोई पोकेमोन है जो इसको ठंडा कर सकता है ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं गाइस। वैसे आप लोग मुझे कमेंट पे दे, तो मैं इन लोगों के लिए केक बनाने के लिए यहाँ पे एक मशीन बनवाता हूँ, मेरे बेस पे काफी सारी मशीनें पड़ी है वहां से ही लेके एक यहाँ पे बनवा देता हूँ फटाफट से। ऑलराइट गाइस तो फाइनली हमारा यहाँ पे जो इन लोगों ने अंडा दिया था वो हैच के लिए रेडी है। फिलहाल ये दोनों यहाँ पे फिर से ब्रीडिंग करने के लिए लग चुके हैं, पर इन लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे देने के लिए अभी फिलहाल केक नहीं है, उसको मेरे को बनवाने के लिए लगवाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक मशीन बना तो दी है, बट मैं यहाँ पे केक नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मटेरियल्स ही नहीं है। तो मुझे लगता है अपने पुराने बेस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने लिए केक बनवा के रखना पड़ेगा, वो मेरे पोकेमोन सारे केक बनाते रहेंगे, और हम यहाँ पे जो ये अंडा है हैच के लिए जो रेडी हो चुका है इसको फटाफट से हैच करते। फिलहाल मैं यहाँ पे केक, अरे यार क्या नहीं है, दूध और अंडे की कमी हो चुकी है। ऑलराइट दूध और अंडे के लिए कहाँ गया हमारा वो
कहाँ गया ये रहा है छोटू, इधर मुझे फटाफट से थोड़े से दूध और अंडे दे दे, ठीक है? ओके बाय करना है तेर से हमें। ये रहा गाइस दूध, 7 बोतल हमें चाहिए दूध की, जो मैं 4 ही ले सकता हूँ। अरे यार थोड़ा बहुत गाइस इसे जो है सामान लेके बेचते हैं और उसके बाद जो हम जो है फटाफट से इसको अंडे लेते हैं। गाइस मैंने वहाँ पे अपने पहले वाले बेस पे जो है केक बनवाने के लिए लगा दिया है, फिलहाल यहाँ पे ये अंडा जो है रेडी हो चुका है। गाइस इस अंडे से कौन सा खतरनाक सा पोकेमोन हमारा निकलने वाला है? फिलहाल ये दोनों यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं और इन लोगों ने अभी यहाँ पे अंडा दे देंगे। जब तक मैं यहाँ पे केक नहीं रखता तब तक इनका अंडा शायद नहीं आएगा। फिलहाल जब मैं यहाँ पे केक रख दूंगा तो अंडा आ जाएगा। वैसे मैं इस अंडे को खोलता हूँ तो देखते हैं गाइस इस अंडे से कौन सा पोकेमोन निकलने वाला है। इसको हम खोलेंगे यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये वो गाइस, वो भाई वाओ शिट गाइस, कितना बड़ा जॉर्मुंटॉइड है। वाह लेकिन गाइस ये लेवल 1 का है, बट कोई बात नहीं। इसको मैं पेट करूं क्या? नहीं, इसको अभी ऐसे नहीं कर सकते पेट, इसको हम करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट फटाफट से गाइस इस जॉर्मुंटॉइड को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। ये मोसांडा तू अंदर आ जा। इधर इसको गाइस थोड़ा साइड में लेके चलते हैं, अकेले में यहाँ पे बैठाते हैं इसको, आ जाओ है ना खतरनाक सा। गाइस इस पोकेमोन को मैंने अभी तक पकड़ा नहीं है लेकिन जॉर्मुंटॉइड पहली बार मुझे मिला है। और बैठ जॉर्मुंटॉइड इधर आओ। गाइस हमारा जॉर्मुंटॉइड भी खुश हो चुका है भाई, कितना बड़ा लग रहा है हमारा ये जॉर्मुंटॉइड। गाइस मुझे कमेंट से बताओ क्या इससे बड़े बड़े भी जॉर्मुंटॉइड होते हैं या फिर इससे भी बहुत बड़े बड़े जॉर्मुंटॉइड नहीं होते हैं। तो फटाफट से गाइस अब इस जॉर्मुंटॉइड को फिलहाल अभी यहीं घूमने देते हैं। और इन दोनों ने अंडा यहाँ पे तैयार किया होगा, वैसे तो इनका अंडा आ चुका है, बस मुझे इनको केक खिलाना बाकी है। तो गाइस फटाफट से मैं केक खिला, मतलब केक जो इन लोगों ने मेरे बेस पे बना दिया होगा उस केक को मैं लेके आता हूँ और इन दोनों को खिलाते हैं। तो देखते हैं कौन सा ये नया पोकेमोन का अंडा है हमें देने वाले हैं। हाँ भाई केक बना कि नहीं बना? गाइस केक बनने वाला, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा केक बनाने के लिए इन लोगों को। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ नए पोकेमोन को भी पकड़ने ले अकेले जाए जाए। और फिलहाल यहाँ पे काफी सारा खाना पक चुका है, इसको मैं ले लूंगा बाद में। गाइस इन लोगों ने यहाँ पे अंडा बना दिया है, ओ अंडा बोलो केक बना दिया है। अभी केक लेके मैं फटाफट से उन्हें दोनों को खिला देता हूँ और उनसे एक खतरनाक सा एक और अंडा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं ये कौन सा अंडा देने वाले हैं और उस अंडे से क्या निकलेगा। लो भाई केक खा लो। गाइस ये देखो ये बात, जैसे इन्होंने केक खाया और मेरे को एक अंडा मिल गया, क्या इसके अंदर से भी जॉर्मुंटॉइड निकलेगा या नहीं मुझे कमेंट से बताओ। वो मैं शायद इसको अगले एपिसोड में खोलने वाला हूँ। पहले तो पहले इस अंडे को यहाँ से लेके इस एग इंक्यूबेटर के अंदर रखने वाला हूँ। ये ला क्या गाइस इस अंडे को खोल दे या फिर नहीं? वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको अभी ही खोल दिया जाए। वैसे आज के एपिसोड में मैं सोच रहा था काफी सारे नए पोकेमोन को भी पकड़े, बट मैं सोच रहा हूँ इस अंडे को भी एक बार खोल के फिर नए पोकेमोन को पकड़ने जाया जाए। वैसे मैं यहाँ से अपने जितने भी स्पेयर से उनको ले लेता हूँ, तो इन दोनों की ही मेरे को फिलहाल वैसे जरूरत है, इसको भी ले ही लेता हूँ। खाना मेरे पास चेक करते हैं गाइस कितना सारा है, ब्रेड ही ब्रेड बचा हुआ है मेरे पास, काफी कम ब्रेड है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर मैंने इन लोगों के लिए काफी खाना रखा हुआ है, तो ऐसे आधा स्टैक में ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा इतना बहुत है। चलो भाई गाइस मैंने खाना वाना ले लिया है, अब चलते हैं पीडीआई टावर के पास जहाँ पे हमें मिला था पेंकिन। ओ पेंकिन बोल रहा हूँ, जहाँ पे हमें मिला था लेवल 35 का नाइट विंग और साथ के साथ सुजाकू। क्या गाइस सुजाकू के साथ एक बार फाइट करके जाए या फिर नहीं? वैसे तो जॉर्मुंटॉइड को यहाँ घूमने देते हैं, उसको काफी मजा आ रहा होगा, तो फिलहाल फटाफट से मैं इसको भी हैच करता हूँ। तो क्या निकलता है इसके अंदर से? एक और जॉर्मुंटॉइड। ऑलराइट मुझे लगता है गाइस ये दोनों मिलके हमेशा एक नया अंडा जो देंगे उसमें से हमें जॉर्मुंटॉइड ही निकलने वाला है। तो वैसे मैं इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ, चल एक अंडा और देने देते हैं इन लोगों को, तब ये अंडा दे देंगे तो कोई बात नहीं। जब तक हम चलते हैं गाइस PIDF टावर के पास। वैसे मैं अपने पास खतरनाक से पोकेमोन लेके जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ तो के जो सबसे पावरफुल पोकेमोन होंगे गाइस उनको मैं लेके चलते हैं नया पोकेमोन पकड़ने जिसका नाम है सुजाकू। क्या वो हमारे पकड़ में आज आ पाएगा या नहीं, कमेंट से बताओ मुझे यस या नो। ऑलराइट गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ PIDF टावर के पास और यहाँ पे देखो मुझे आज पकड़ना है इस नए पोकेमोन जिसका नाम है सुजाकू।
तो गाइस क्या मैं इसको पकड़ के लेके जा पाऊंगा अपने बेस पे? फिलहाल तो मैं देखो गाइस काफी सारे स्पेयर बनवा के लेके आ चुका हूँ। अगर मैं इसको पकड़ के लेके जा सकता हूँ तो मैं इसको पकड़ के लेके जाऊंगा, और साथ के साथ यहाँ पे दो नाइटविंग भी घूमते अगर मुझे दिख जाएंगे तो मैं उसको भी लेके जाऊंगा। और फिलहाल इसने मुझे देख लिया है तो मैं यहाँ पे अपने पोकेमोन को छोड़ देता हूँ और ये जाके हमला कर लेगा। और गाइस आप लोग को याद होगा मैं अपना आर्मर रिपेयर करके आ चुका था, काफी खतरनाक से आर्मर मैंने बना लिए हैं। ओ भाई साहब अब मेरे को इतनी जल्दी नहीं मार सकते मेरे बेटे। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने बुलाऊंगा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को। क्या सुजाकू को हमारा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन मार देगा? वैसे तो मैं इसको लड़ने देता हूँ अपने वैनरम को, ये भी काफी पावरफुल है, अपने धनुष ले लेता हूँ। जैसे इसका हमला गाइस मेरे पास आएगा मैं बच जाऊंगा। ये ले बेटे। ओके गाइस मेरे वैनरम ने सुजाकू की काफी हेल्थ डाउन कर दी है। मेरे को लगता नहीं है कि ये मेरे पोकेमोन को मार पाएगा। ए वैनरम और सुजाकू ये ला, इसके हमले से गाइस मुझे बचना पड़ेगा। बस ये देखो बस बहुत बढ़िया। आ क्या जगह फंसा हुआ है गाइस, ये क्या ये आज पकड़ में आएगा? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। या गाइस मैं सोच रहा हूँ अपने पोकेमोन को ही लड़ने दूं कुछ देर, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और थोड़ा सा पीछे इसके फायर से बच जाऊं। ओ मेरे ही पास आ गया। ओ भाई ओ शिट यार, ये कितना बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है क्या? ओ भाई साहब ये तो और बड़ा हो गया। इसके आए विंड कटर, मुझे इससे बचने पड़ेंगे। अरे कहाँ मार रहा है? या मेरे फायर टाइप हमले मार रहा है मेरा पोकेमोन। ये ले, वो मेरी शील्ड दोबारा तोड़ दी इसने खतरनाक तरीके से। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा दूर आ जाता हूँ। ओके इसके हमले से ओ फिर से बचना पड़ेगा मुझे, और ज्यादा डैमेज नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं गाइस, क्या मैं इसे आज पकड़ पाऊंगा मेरे पोकेमोन को जो इसने काफी खतरनाक तरीके से मार रहा है? लेकिन मेरे वैनरम ने भाई इसकी जो है काफी हेल्थ डाउन कर दी है गाइस। ओके बहुत बढ़िया डार्क हमला मुझे दिख जा, आजा तेरे टकले में तीन तीर पड़ेंगे। ये बात गाइस क्या हम इसे पकड़ पाएंगे या नहीं? ये ले ओ शिट, मुझे नहीं लगता गाइस मैं इसे पकड़ पाऊंगा क्योंकि जो स्पेयर मेरे पास है हाइपर स्पेयर में तो ये आएगा ही नहीं, मुझे पता है ना। ये ले बेटे और लेगा और कहां गया ये तीन तीर और खा ले। आ या वो हो, तो गाइस अब मुझे लगता है अपने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को भेजना चाहिए। इसे भेजता हूँ, तू वापिस आ जा थोड़ी देर बैठे। चल भाई क्या इसके झटके मारे। ओ बेटे ओ बहुत बढ़िया गाइस, क्या ये मारा पोकेमोन पकड़ने में आएगा? एक बॉल फेंक के देखते हैं। ओ शिट पहली बॉल इसने फेंक दी है, मुझे और दूर जाना पड़ेगा। एक बॉल बर्बाद हो चुकी है गाइस हमारी। ओके गाइस सुजाकू मेरे पीछे आ चुका है, वापिस बुला लेता हूँ अपने पोकेमोन को। अब मैं भेजता हूँ इसे। ये ले ओ गाइस मेरी हेल्थ काफी कम हो चुकी है। फिलहाल मैं फटाफट से खाना खा लेता हूँ, नीचे आ गया मैं। ओ यहाँ पे फटाफट से ईट कर लेता हूँ ताकि मेरी जो है भूख बढ़ जाए और मेरी हेल्थ बढ़ जाए अपने आप ही। ओके यार इसने तो मेरी इस पोकेमोन की काफी हेल्थ डाउन कर दी है क्योंकि मेरा पोकेमोन ये वाला काफी कमजोर है। इसकी लेवल जो है अभी गाइस 25 ही है। मैं बुलाऊंगा अरे नया पोकेमोन को भेजता हूँ ना अपने, इसको भेजता हूँ। ओ यार पोकेमोन भेजते गाइस बंदे ने मुझे मार दिया। सुजाकू के बच्चे रुक जा, मैं आ रहा हूँ दोबारा तेरे पास लड़ने के लिए। ऑलराइट गाइस फटाफट से बेस पे जाते हैं और सुजाकू को आज पूरी तरह मैं पकड़ के ही लेके आने वाला हूँ। ओके फटाफट से, लेकिन यार मैं गलत जगह पे मराऊंगा। अब मुझे जो है मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा। वहाँ पे काफी ना हीटिंग एरिया है, ज्यादा दूर तो नहीं मरा हूँ मैं, बट देख लेता हूँ। वैसे मैं वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी किट उठानी पड़ेगी क्योंकि मैं हॉट से ही मर जाऊंगा। वो नहीं मेरी किट, चलो भाई फटाफट चल। ये आके 300 और थोड़ा देर चलना पड़ेगा मुझे। कम ऑन फटाफट से किट पकड़ ले। ये ऑल राइट बच गया मैं। कहाँ गया ये रहा सुजाकू? अगर गाइस मैंने इसकी हेल्थ तो काफी कम कर दी थी, क्या इसकी हेल्थ? अरे यार इसकी हेल्थ तो फिर से दोबारा रिजनरेट हो चुकी है, मुझे दोबारा से इसकी हेल्थ जो है डाउन करवानी पड़ेगी क्या? देखता हूँ गाइस क्या यहाँ पे एक ही सुजाकू था या दूसरा भी था। फिलहाल तो मैं अपने पोकेमोन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो आजा ये रहा गाइस, ये रहे वो दोनों नाइटविंग, इनको भी पकड़ के ले जाएंगे। पर एक ट्राई और करने वाला हूँ मैं सुजाकू को पकड़ने की। कहाँ गया ये रहा धनुष, कहाँ है मेरा? आजा धनुष। एक और दो और ये तीन और ये चार और ये पांच। ओके
मेरे इलेक्ट्रिक ट्रैप पोकेमोन ने इसको काफी झटका दे दिया। और मैं कहां चढ़ गया? बच गया, निकलो यहां से। ओके, दोरे नाइटविंग वहां घूम रहे हैं। गाइस, इन दोनों को यहां लड़ने देते हैं। मैं काम करता हूं, इस टावर के ऊपर जाता हूं। क्या इस टावर के ऊपर? लेकिन यार इस टावर के ऊपर जाके गाइस खतरनाक से हो सकता है। क्या मैं इस टावर के ऊपर जाके इस बंद मेरी डेजी को मार दिया इसने तो। निकलो यहाँ से, तू ही आजा भाई, तू खतरनाक से लड़ रहा है, वेंडरम से लड़वाते हैं, आजा। क्या? ओके, थोड़ा और दूर। एक तेरे हमले से तो मैं बच जाऊंगा, मेरे पोकेमोन के हमले से तो बच तू जरा। या सुजाकू लड़। गाइस ये क्या खतरनाक से पोकेमोन हमको आज मिल पाएगा या नहीं, कमेंट्स में बताओ मुझे। ये इसके तीन टकले पे सर पे मार दूंगा मैं गाइस। आ जाओ, या बेटे सुजाकू आ जा, आज बेटे तेरी कमरिया तोड़ेंगे लटक। ये ले, ओ यो गाइस, ये पकड़ में आने वाला है कुछ समय बाद। इसकी हेल्थ काफी डाउन कर दी मैंने, बहुत बढ़िया। अब पहली बॉल फेंक के देखूं। अरे यार स्पेयर बदलने पड़ेंगे मुझे, हाइपर स्पेयर, हाइपर स्पेयर, हाइपर स्पेयर। ओके गाइस, फर्स्ट बॉल ट्राई, क्या ये आएगा? नहीं। ओ शिट यार, ये नाइटविंग, नाइटविंग के बच्चे भी आ गए यहाँ पे, इनसे भी पंगा हो जाएगा तगड़ा वाला मुझे लग रहा है। आजा सुजाकू, कम ऑन, लेट्स गो गाइस, क्या ये आएगा? यस, यप, ये बात कर, सुजाकू को हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पे दोनों नाइटविंग घूम रहे हैं, इन्हें भी पकड़ूंगा मैं। या ओके ओके ओके, सुजाकू को हमने पकड़ लिया है गाइस। अब कहाँ गए नाइटविंग दोनों के बच्चे? एक हो रहा, एक एक करके अगर नाइटविंग को पकड़ेंगे ना गाइस तो ही पकड़ में आ पाएंगे, बट मुझे लग रहा है दोनों एक साथ पंगे लेने वाले। फिलहाल मेरे वेंड्रम की गाइस काफी हेल्थ डाउन हो चुकी है, एक काम करता हूँ वेंड्रम को थोड़ा आराम करने के लिए भेजता हूँ। तब तक मैं जो है किससे लड़वाऊँ? ये बंदा थोड़ा पावरफुल है, इससे लड़वाते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला नाइटविंग कहाँ है हमारा? ये रहा हमारा नाइटविंग। दोनों नाइटविंग से एक साथ पंगे नहीं लूंगा, दोनों एक साथ आ जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। वो थोड़ा दूर उड़ रहा है, ये भी थोड़ा दूर उड़ रहा है। ओए नाइटविंग इधर आ, ये इधर आ। गाइस मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर वेंड्रम को ही लड़ने देते हैं, जब तक इसके पास काफी हेल्थ है। ओ शिट यार, दूसरा नाइटविंग भी आ गया पंगे लेने के लिए। Yeah, guys, आज तो इन दोनों को पकड़ के ही लेके जाऊंगा। आज तो मेरे पास काफी खतरनाक से मैंने आर्मर बनवा ही लिया है, पिछली बार तो मुझे इन दोनों ने आर्मरों से ही मार दिया था। ओके, मेरे वेंड्रम ने नए एक नाइटविंग की पूरी हेल्थ डाउन करने वाला है, बस थोड़ी सी और इसके पास। वाओ, क्या चक्कर से बचाओ तेरे, आ जाए स्पेयर्स में। ओके, मेरी हेल्थ कम कर दी इसने, 180 कर दी है एक नाइटविंग। ओ शिट, आते आते रह गया। गाइस इसको मैं पकड़ ही लूंगा, इसके जो है विंड चक्कर से मैं बच जाता हूँ फटाफट से। ओके, हेल्थ भी मेरी काफी तगड़ी तगड़ी तरीके से पड़ रही है। बेटे आजा, तू भी आजा बॉल के अंदर। क्या गाइस ये दोनों नाइटविंग एक ही बार में आएंगे? एक तो निकल चुका बॉल से। ओ शिट, ओ कहां काट गई हृदय मेरे को। तो गाइस एक नाइटविंग आते आते रहेगा, मेरे ख्याल से शायद एक आ चुका है, अभी पता चलेगा, घर पे जाके पता ही चलेगा, बेस पे जाना पड़ेगा तभी जाके मुझे पता चलेगा। एक नाइटविंग मेरे ख्याल से गाइस आ चुका है। ओके, बैक टू द बेस। ओके यस गाइस, लेवल 33 का एक नाइटविंग मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे जाके लेवल में कर दो। कहाँ गया नाइटविंग? ये गाइस ये देखो, इसको काफी जो है इंजरी विंजरीज हो चुकी है। फिलहाल मैं जो है यहाँ पे सुजाकू को ले जाता हूँ, और एक जो नाइटविंग वहाँ पे बचा हुआ है उसे भी पकड़ के लेके आता हूँ फटाफट से। गाइस उस नाइटविंग को भी मैं पकड़ने वाला हूँ, मेरे ख्याल से उसकी हेल्थ जो है दोबारा रीजनरेट हो चुकी होगी अब तक। तो मैं यहाँ पे मरा हूँ तो मुझे पीडीआई टावर के पास जो है टेलीपोर्ट होना चाहिए गाइस। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और मेरा जो है किट्स कहाँ पड़ी है? किट 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 वो वहाँ है, तो नाइटविंग मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल कहाँ पे है वो नाइटविंग। एक तो नाइटविंग मैंने पकड़ लिया, एक नाइटविंग और पकड़ना मुझे। क्या गाइस मैं हवा में ही अपनी किट पकड़ सकता हूँ? चलो देखते हैं। ऑलराइट, ये बात, और यहाँ पे एक और वेंड्रम मुझे घूमता हुआ दिख गया, वेंड्रम नहीं सुजाकू। तो गाइस क्या इस सुजाकू को भी पकड़ा जाए? ओके, दूसरा नाइटविंग कहाँ गया? नाइटविंग के बच्चे आ गया मैं तेरे से लड़ने। क्या गाइस सुजाकू, ओ भाई कितने सारे सुजाकू दिख चुके हैं मुझे। ये रहा वो नाइटविंग, क्या यही है वो नाइटविंग? बट मेरे ख्याल से अब तक तो इसकी हेल्थ जनरेट हो चुकी होगी। ओके, इसके पास पहुँच के देखते हैं। हाँ, इसकी हेल्थ जनरेट हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे काफी सारे जो है खतरनाक से पोकेमोन पकड़ लिए हैं। अभी मैं जो है जा रहा हूँ अपने बेस पे, और आप लोगों को दिखाता हूँ वो दोनों पोकेमोन, और साथ में मुझे काफी सारे चीजें भी बनवानी है। ऑलराइट, यहाँ से इन लोगों से पंगे अभी नहीं लेने वाला। चलो निकलो भाई, मेरी हेल्थ काफी डाउन हो चुकी है।
अगले एपिसोड में गाइस हम काफी सारे नए पोकेमोन और पकड़ेंगे इसी जगह पे आके। करंट मारेगा मुझे, हट जा, करंट नहीं लग सकते तेरे। ऑलराइट गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ अपने बेस पे आके, और आप लोग अब नए पोकेमोन हम जो पकड़े हैं उन्हें दोनों को मैं दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैंने अपने पास नाइटविंग रखा हुआ है, नाइटविंग सुजाकू रखा हुआ है, नाइटविंग नहीं रखा हुआ। देखते हैं नाइटविंग की कितनी खतरनाक पावर है, उसके पास कौन कौन सी पावर है वो तो देखें जरा। नाइटविंग कहाँ है हमारा, लेवल 33, इसको अंदर भेज देते हैं। नाइटविंग को ले चलता हूँ यहाँ से। ओके गाइस, अगर मैं इनको बेस पे ओपन करूँगा, बेस पे तो ये काम करने लग जाएंगे। तो अब मैं निकालता हूँ अपने नाइटविंग को जो लेवल 33 का है। तो फिलहाल अभी 31 का हो गया क्योंकि मेरा लेवल गाइस 31 का हो चुका है। और नाइटविंग इधर आ, मुझे बैठा अपने ऊपर। तो गाइस इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी से जरा चेक किया जाए। पार्टीज में जाके ये हमारा नाइटविंग, ओके काफी खतरनाक सी पावर है इसके पास। और उसके बाद हमारा आता है सुजाकू, ओके काफी सारी पावर है, फायर पावर है इसके पास सारी। ऑलराइट गाइस, अब बारी है सुजाकू की आप लोगों को दिखाने की। तो मैं सुजाकू को बाहर निकालता हूँ। कम ऑन सुजाकू, आ जा। ये देखो गाइस, सुजाकू के ऊपर भी मैं बैठ सकता हूँ, बट उसकी जो है टेक्नोलॉजी अभी मुझे लगता है गाइस लॉक पड़ी हुई है। चलो इसकी टेक्नोलॉजी में देखता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे सुजाकू पकड़ लिया है, तो इसका जो है नंबर कौन से लेवल पे आता है मैं जरा चेक करूँ। ऑलराइट गाइस, सुजाकू आता है 102 नंबर पे। ओके अभी मेरे पे ये लाल कलर का झोरमून टाइड है जिसको मेरे को पकड़ना है। ये मुझे पता है कहाँ पे मिलेगा, और एक झोरमून टाइड ये मेरे को जो है अंडे के अंदर से मिला है। और गाइस आप लोगों को एक और नई चीज दिखाता हूँ जो मेरे को एक टोपी मास्टर जैसा दिखने वाला पोकेमोन जो, अरे कहाँ घुस गया मैं घर के अंदर, वो दिखाता हूँ। वो हमारे एक अंडे से निकला है। फिलहाल वो लेवल 1 का होगा, तो मैंने उसको देखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ अंडा ओपन करके चला गया था। कहाँ गया वो, उसको निकालते हैं फटाफट से बाहर। गाइस फाइनली वो दोनों पोकेमोन मुझे मिल चुके हैं जो मेरे को अंडे के अंदर से मिले हैं, तो आप लोगों में उनको दिखाने वाला हूँ, आ जाओ। ऑलराइट गाइस, वो दोनों पोकेमोन ये हैं जो हमको अंडे से मिले हैं। ये है हमारा नया पोकेमोन बुशी, ये देख रहे हो गाइस टोपी पहन के रखता है। अरे इधर तो आ, ये और दूसरा पोकेमोन हमारा है, कहाँ गया अभी निकालता हूँ। ये है हमारा दूसरा, गाइस देखो गाइस, ये दोनों पोकेमोन मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे मिलते हैं, किस एरिया में मिलते हैं, और ये दोनों पोकेमोन हमारे निकलने वाले हैं अंडे से। और यहाँ पे गाइस मैंने मेमोरेक्स और रेप्टायर को जो है अभी भी ब्रीडिंग पे लगा रखा है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे एक के है अंडा के बोल रहा हूँ, केक अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो फटाफट से वो मुझे एक और अंडा दे देंगे, जिसके अंदर से हमारा जो है एक और झोरमून टाइड निकल सकता है। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, क्यों लग रही है भूख, अच्छा खाना नहीं रखा मैंने अपने पास, चलो खाना मैंने अपने पास रख लिया है। तो गाइस अगले एपिसोड में आप लोग मुझे बताओ कि मैं कौन कौन से पोकेमोनों की जो है ब्रीडिंग कराऊं। फिलहाल मैंने इन दोनों की ब्रीडिंग कराई तो मुझे एक झोरमून टाइड मिला, और कौन से खतरनाक से पोकेमोन की जो ब्रीडिंग कराने के बाद हमें कोई खतरनाक से पोकेमोन मिलने वाला है उसको मुझे कॉमेंट से बताना। तो ऑलराइट गाइस, फिलहाल आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।